सत्याकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लुथरा और दिल से स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। यह आशा करती हूं, ये दुआ करती हूं कि मेरी फैमिली के सभी लोग बहुत बहुत खुश होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे, बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे। वेल, आज हम बात करने वाले हैं सनकन आइज या होलो आइज के बारे में। बहुत सारे लोगों की आइज जो है वो अंदर की तरफ धंस जाती है और उनकी यहाँ की स्किन बहुत बहुत थिन हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और बहुत टाइम से मेरे चैनल पर आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि पूजा सनकन आइज या होलो आइज को प्लम्प कैसे बनाएं, किस तरह से आंखों में उभार लेकर के आए। तो आज कुछ फेस योगा पोस्टर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे कि सनकन आइज को आप घर पर नेचुरली ट्रीट कर सकते हो। साथ ही साथ एक होम रेमेडी भी बताऊंगी, वो भी आपने कंज्यूम करनी है। सबसे पहले बात करते हैं सनकन आइज या होलो आइज होती क्यों है। वेल, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन है इन एडिक्वेट स्लीप। अगर आप ठीक से छः आठ घंटे की नींद नहीं लेते हैं, आपकी नींद में खलल पड़ता रहता है या साउंड स्लीप नहीं आती है आपको, तो आपको सनकन आइज की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड रीजन इज स्ट्रेस। इफ यू आर इन स्ट्रेस, इफ यू आर फेसिंग डिप्रेशन, तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो जाती है। थर्ड रीजन इज एजिंग। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी स्किन में कोलेजन का डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है, जो फैट लेयर है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से स्किन सैग करने लगती है और आपकी जो आई मसल्स हैं वो भी लूज होने लगती हैं, तो आपकी आईज होलो हो जाती हैं। इसके अलावा जिनको एलर्जीज की प्रॉब्लम है, जिनका नेजल पैसेज हमेशा ब्लॉक रहता है, हमेशा जुकाम रहता है, उनको होलो आइज की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। तो आइज के होलो होने के या सनकन होने के बहुत सारे रीजंस हैं, इनमें से कोई भी रीजन आपका हो सकता है। खैर, रीजन कोई भी हो, नेचुरल तरीके से किस तरह से आप होलो आइज को, सनकन आइज को फिर से प्लम्प बना सकते हैं, आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है आइज को सनकन होने से, होलो होने से बचाने के लिए, वो ये है कि टाइम पर सोना शुरू कर दीजिए। एक स्लीपिंग पैटर्न आपका होना चाहिए, एक स्लीपिंग शेड्यूल आपका होना चाहिए। एक ही टाइम पर सोएं और एक ही टाइम पर उठें और साउंड स्लीप लें। स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ थोड़ा मेडिटेट करें और थोड़ा सा अपने आप को ऐसी चीज़ों में इंडल्ज करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल सकते हैं, या डांसिंग में आपको खुशी मिलती है, या पेंटिंग में आपको खुशी मिलती है। जो चीज़ एज अ हॉबी आप परस्यू कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है वो कीजिए। और अब बात करते हैं डाइट की। डाइट में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितनी ले सकते हैं लीजिए। फ्लैक्स सीड्स ज़रूर ज़रूर कंज्यूम कीजिए अपनी डाइट में, बिकॉज फ्लैक्स सीड्स में ढेर सारा कोलेजन होता है। ये कोलेजन बिल्डर का काम करता है और आपकी स्किन को प्लम्प बनाता है, फेयर बनाता है और स्किन सैगिंग को रोकता है, एजिंग को डिले करता है। फ्लैक्स सीड्स को आप एज अ पाउडर कंज्यूम कर सकते हैं, एक चम्मच रोज़ाना खाइए, चाहे तो दही में मिला करके खा लीजिए। आटा गूंथते हैं तो उसमें भी फ्लैक्स सीड पाउडर मिलाया जा सकता है, या फिर फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करके ऐसे ही आप मंच कर सकते हैं बिटवीन द मील्स। तो जिस भी तरीके से आप खाना चाहते हैं, फ्लैक्स सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अगर आप दूध पीते हैं रात को या सुबह, जब भी आप मिल्क लेते हैं, उसमें थोड़ी सी रोज पेटल्स, तकरीबन एक चम्मच रोज पेटल्स और एक चम्मच हनी मिलाकर के पियेंगे, तो भी आपको सनकन आइज की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। अब बात करते हैं फेस योगा पोस्चर्स और मसाज की, जिनकी हेल्प से आप सनकन आइज को प्लम्प बना सकते हैं। तो कोई भी फेशियल ऑयल या क्रीम आप ले लीजिए जो आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। वैसे मैंने DIY फेशियल ऑयल का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो वो वाला फेशियल ऑयल भी बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपनी आईज के ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरीके से आंखों के चारों तरफ आप ये ऑयल अप्लाई कर लेंगे और सबसे पहले आप आई सॉकेट पर मसाज देंगे। हमारा आई सॉकेट यहाँ, ये आंखों की जो हड्डी है हमारी, जो आई बोन है, वहां पर से शुरू होकर के और आपकी यहाँ चीक बोन पर इस तरीके से खत्म होता है। तो सबसे पहले आईब्रोज को मसाज देंगे। आप देखेंगे जब आईब्रोज को इस तरह से पिंचिंग मसाज आप देंगे तो आपकी आईज अपने आप ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती हैं। इस तरीके से यहां तक पिंचिंग मसाज देंगे। यहां पर पिंच नहीं करना बिकॉज ये एरिया बहुत डेलिकेट होता है। तो यहां पर हम इस तरीके से
फिंगर से मसाज करेंगे डॉट 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 की फॉर्म में, यहाँ पर लेकर के आएंगे और सेंटर में ये है आपका थर्ड आई चक्रा, यहाँ पर हम स्टिमुलेट करेंगे सर्कुलर मोशन में इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को दूर भगाता है। फिर से हम आईब्रोज पर आएंगे, पिंचिंग मसाज देंगे आईब्रोज को और यहाँ पर हम इस तरह से डॉट 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 या टैपिंग मसाज देंगे और यहाँ पर अब हम करेंगे नोज विंग्स की मसाज, बिकॉज अगर आपके साइनसेस ब्लॉक्ड हैं तो आपके आईज पर बुरा असर पड़ता है, उनका आई साइट भी वीक होती है, हेडेक भी होता है और साथ ही साथ आपकी आईज होलो भी हो जाती हैं। तो नोज विंग्स पर इस तरह से विगल करना है आपको। बिल्कुल सेंटर से आईब्रोज को हम यहाँ से दो फिंगर्स की हेल्प से ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 2 से 3 सेकंड्स के लिए और उसके बाद रिलीज करेंगे। ऐसा आप 4 टाइम्स करेंगे। वैक्यूम सा क्रिएट होगा और उसके बाद 2-3 सेकंड्स के बाद आप इस तरीके से झटके से खोलेंगे, इससे भी आपकी आईज प्लम्प होती हैं। तो ये छोटे 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 पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी संकन आईज को प्लम्प बना सकते हैं। विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं और कोई खर्चा नहीं है इस ट्रीटमेंट का, कोई आपको महंगी दवाइयाँ नहीं खानी, कोई महंगे सिरम्स नहीं लगाने हैं, सिंपली घर पर आप अपनी होलो आईज को प्लम्प बना सकते हो। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है ऐसे ही अमेजिंग रेमेडीज़ और नेचुरल तरीके से हेल्थ और ब्यूटी को निखारने के लिए, संवारने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा करके क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलूंगी अमेजिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।